सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं दोबारा आपके सामने फिर से आया हूं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने वो चैप्टर लेकर के जो मैंने पहले वीडियो में बैक्टीरिया के बताया था। अब ये दूसरा वीडियो है जो हानिकारक जीवाणुओं की ओर आगे बढ़ेगा। हानिकारक जीवाणु हमारे लिए होते हैं और वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। इसकी वजह से पूरे विश्व में कई रोग उत्पन्न होते हैं और विश्व के साथ साथ जितने भी विकासशील देश हैं, विकासशील यानी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें सब में रोगों का भरमार है और रोग मुख्यतः बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जीवाणु जनित रोग। देखो, इन रोगों को जब आप देखोगे तो आपको ये एहसास होने लगेगा, अरे ये तो मुझे हुआ था, अरे ये तो मुझे हुआ था। तो याद रखिएगा, वो सभी रोग हैं जो आपको कभी ना कभी हो चुके हैं या भविष्य में होने की उम्मीद है। इसीलिए उन रोगों से आप बचे रहिए और भविष्य के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। जीवन में भी काम आएगा, परीक्षा में भी काम आएगा, और अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे बचे रहें, कैसे गंदगी से दूर रहें ताकि बैक्टीरिया आपके आसपास ना आए और भविष्य आपका सुंदर बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीवाणु जनित रोग। इसके लिए भी एक स्लोगन याद रखिएगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए एलडीसी लिख दिया हमने, लोअर डिविजनल क्लर्क, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हम इसको सीधा करेंगे। मान लीजिए हमने लिखा एलडीसी। उसी समय एक और परीक्षा हुई जिसका नाम था एसपीजी ग्रुप, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस ग्रुप, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगते हैं, एसपीपीजी। इन दोनों का एग्जाम हुआ मान लीजिए, और आपका सेंटर पड़ गया मेरठ, और आप मेरठ गए और आप टिकट लेना भूल गए, ट्रेन से गए। तो जैसे ही आप मेरठ गए, टिकट लेना भूल गए, तो आप विदाउट टिकट हो जाएंगे, तो मुलाकात किससे होगी? टीटी से। स्टूडेंट लाइफ में ना तो पैसे होते हैं ना निकलते हैं, इसलिए आप चले जाओगे जेल। जेल में गंदा पानी, गंदा खाना, गंदे लोग, गंदे कपड़ों से मुलाकात होगी और आपको इतने ढेर सारे बैक्टीरिया लगेंगे कि इतने ढेर सारे रोग हो जाएंगे। जेल में जाते ही तुरंत आपको लेप्रोसी हो जाएगा, यानी हम उसे कुष्ठ रोग कहते हैं। आपका गला खराब हो जाएगा, हम उसे डिप्थीरिया कहते हैं। आपका पेट खराब हो जाएगा और उस बीमारी का नाम है कॉलरा या हैजा। हैजा एक ऐसा रोग है जिसमें उल्टी भी होगी, दस्त भी होगा, कुछ भी नहीं रुकेगा, सब बाहर आ जाएगा। सामने मंजिल होगी, रास्ते में ही तय हो जाएगी, कभी कभी मंजिल खुद ही आपके पास चली आएगी। बड़ी खतरनाक स्थिति हो जाती है, चारों तरफ मक्खियां मंडराती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचे रहिए, स्वस्थ खाइए, स्वस्थ रहिए। अंत में आपको सिफिलिस हो सकता है। सिफिलिस एक ऐसा रोग है जो स्टडी का रोग है, स्टडी नहीं एसटीडी का रोग है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है। पुरुष को है तो महिला को हो जाएगा, महिला को है तो पुरुष को हो जाएगा। और अगर मान लीजिए महिला या पुरुष में से किसी एक को है तो वह उससे तलाक ले सकता है, क्योंकि कानून में भी यह व्यवस्था दी गई है। सिफिलिस का इलाज है, क्योंकि इसमें जननांग सड़ जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पुरुष महिला से परेशान हो जाता है, महिला पुरुष से परेशान हो जाती है, इसीलिए तलाक लेना ही अंतिम उपाय होता है। इसका इलाज संभव है, लेकिन इतना टाइम लग जाता है कि आप जानते हैं इतना इंतजार नहीं हो पाएगा, इसीलिए तलाक लेना ही सबसे उचित उपाय हो पाएगा। तो सिफिलिस है, सिफिलिस एसटीडी का रोग है। सिफिलिस नाम सुंदर है लेकिन कोई फायदा नहीं है, बहुत खराब रोग है, ईश्वर न करे किसी को हो। अगला जो रोग है उसका नाम है न्यूमोनिया। अक्सर आपने सुना होगा
बच्चों में हो जाता है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, निमोनिया। और जानते हैं इसका नाम है प्लेग, यानी काली मौत। काली मौत नाम का रोग है। पेशाब करते हैं आप लोग? पेशाब करते होंगे तो पेशाब करते समय आपको जलन सी होती होगी। जलन का मतलब ये नहीं कि आग लग गई, जलन का मतलब ये होता है कि आखिरकार यूरिन करते समय आपको अत्यंत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। आप पेशाब करने के लिए बाथरूम में गए या खुले में गए या कहीं भी गए तो आपको लगा कुछ होने वाला है लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर आप बाहर आए, फिर आपको लगा कुछ होने वाला है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतनी भयानक जलन हुई कि दर्द के मारे कराहने लगे आप। मालूम है उसका मतलब होता है कि यूरिनल ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, उसी को कहा जाता है यूरिनल ट्रैक्स इन्फेक्शन, यानी यूटीआई के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बीमारी का नाम है, पानी पीजिए और डॉक्टर से मिलिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उस बीमारी का नाम है गनोरिया। और जानते हैं हम इसे कहते हैं वूफिंग कफ। काली खांसी, कुत्ता खांसी, याद रखिएगा। अगली बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। हम इसे तपेदिक भी कहते हैं और हाँ, इसे हम क्षय रोग के नाम से भी जानते हैं और कॉमन फॉर्म में हम इसको टीबी भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगली बीमारी का नाम है टिटनेस। देखिए टिटनेस क्या है? टिटनेस को कहा जाता है लॉक जा डिजीज, यानी जबड़े का जाम हो जाना, धनुष के आकार में शरीर का मुड़ जाना, बताएंगे बाद में। अंत में एक बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड। दिस इज इंटेस्टाइनल फीवर। इसे हम कहते हैं आंत्रीय ज्वर, यानी अगर हम इसे मियादी बुखार भी कहते हैं तो गलत नहीं होगा। मियादी बुखार या मियादी ज्वर के नाम से जाना जाता है। अब हम इन एक एक बीमारियों को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा ताकि आप अपने परीक्षा में क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को गलत ना कर पाए। तो शुरुआत करते हैं पहला एलडीसी से, और एलडीसी में किससे? एल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए एल का मतलब क्या हुआ? लेप्रोसी। बैक्टीरिया का नाम किताबों से देख लीजिए, वैसे हम आपको बता सकते हैं लेकिन यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, बुक्स लीजिए उसमें लिया हुआ है। जैसे इसके बैक्टीरिया का नाम मैं लिख देता हूं और आपको जरूरत पड़ी तो आप किताब कोई भी उठा लीजिए, उससे आपको किताबों से मिल जाएगा। माइको बैक्टीरियम लैप्री, सेम बैक्टीरिया होता है ट्यूबरकुलोसिस का, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसीलिए हम बैक्टीरिया का नाम आपको नहीं लिखाएंगे, आपको किताबों के माध्यम से बैक्टीरिया के नाम याद रखने होंगे। तो चलिए बीमारियों की चर्चा करते हैं। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय कुष्ठ रोग बहुतों को होता था, आज भी होता है। कुष्ठ रोग का मतलब होता है कोढ़, शुद्ध भाषा में तो कुष्ठ रोग कहते हैं लेकिन हम उसे कोढ़ कहते हैं। बालक कोढ़ का मतलब समझो, पहले शरीर यानी जो तो आपकी त्वचा है ना, ये त्वचा में अगर एक छोटा सा घाव हो जाए, वाउंड हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर पूरे शरीर में ही घाव हो जाए तो आपकी त्वचा सड़ जाएगी, आपके टिश्यू और ऊतक चू चू करके गिरेंगे, ब्लड बहेगा, मवाद या पस बहेगा। और हाँ, अगर आप एक सुई ले लीजिए और उसको चुभो दीजिए तो आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि त्वचा आपकी संवेदन अंग है और वही संवेदन अंग जो होता है वह त्वचा उसको रिएक्ट नहीं करेगी और इस तरीके से आपकी संवेदना समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से लेप्रोसी में मुख्यतः क्या खराब होता है? स्किन और नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। और जानते हैं डिप्थीरिया, गले का रोग है। इसके बैक्टीरिया का नाम है कोरिने बैक्टीरियम
डेप्थीरियाई, लेकिन यहां आपको लिखेंगे नहीं, आप उसको किताबों के माध्यम से जान सकते हैं। डेप्थीरिया नाम का एक ऐसा रोग है जिसमें जो नली होती है ना आपके गले की, उसमें जालियां बन जाती हैं, और जब नेट बन जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है। बच्चों को ये रोग होना आसान है, इसीलिए बच्चों को बचपन में ही एक ट्रिपल वैक्सीनेशन टीकाकरण कर दिया जाता है। अब आपको कहोगे ट्रिपल वैक्सीनेशन क्या है, तो उस ट्रिपल वैक्सीनेशन का मतलब होता है DPT। वैक्सीनेशन क्या है मैं पहले के वीडियोस में बता चुका हूं, यानी ऐसी चीज कि अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो भविष्य में इन बीमारियों से बच सकते हैं। आपको पता होगा अमेरिका और भारत में यही अंतर है, वह बीमारियों के होने से पहले उपचार ढूंढ लेते हैं और हम बीमारियां हो जाने के बाद उपचार ढूंढते हैं, यही हम में और उनमें अंतर है। तो DPT यानी एक इंजेक्शन लगवा लीजिए तो तीन बीमारियां आपके बच जाएंगे भविष्य में। इसीलिए बच्चे अगर आपके हों भविष्य में, होना बहुत आसान है, हो जाएंगे आपके बच्चे। तो जब हो जाएंगे बच्चे तो आप इंजेक्शन लगवा दीजिएगा ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और आप अपने जीवन को आनंद रूप से ले जा सकें। तो देखिए पहला टीकाकरण किस बीमारी के लिए होगा, उसका नाम है डेप्थीरिया, दूसरे का नाम बैक्टीरिया के नाम पर है परटूसिस। क्या नाम है? परटूसिस। लेकिन ये परटूसिस नाम का बैक्टीरिया किसके लिए होता है? काली खांसी। और टी का मतलब हुआ टिटनेस। आप अपने परीक्षा के प्रश्न उठाइए, उसमें आपको मिल जाएंगे ट्रिपल वैक्सीनेशन क्या है, DPT है। ट्रिपल वैक्सीनेशन में पी का मतलब क्या है? काली खांसी है। ट्रिपल वैक्सीनेशन में टी का मतलब क्या है? टिटनेस है। ट्रिपल वैक्सीनेशन में डी का मतलब क्या है? डी है। तो तीन बीमारियां एक टीकाकरण। अक्सर क्या होता है, पी से बच्चा कंफ्यूज होता है और काली खांसी वूफिंग कफ को नहीं लगा पाता। तीनों बीमारियां दी रहती हैं और उनमें से एक बीमारी को आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसीलिए DPT का टीका तीन बीमारियों के लिए लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जरा हम कॉलरा में, इसमें गला खराब होता है, थ्रोट, इसीलिए गले का उपचार कराइए, बच्चों में अक्सर होने के चांस होते हैं। कॉलरा किससे होता है? कॉलरा बिब्रियो नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसमें इतना खतरनाक स्थिति होती है कि बाथरूम में ही आपको अपना स्वर्ग नजर आएगा, अपना जीवन नजर आएगा, आपको लगेगा हो गया, लेकिन जैसे ही आप बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचेंगे लगेगा अभी और होना बाकी है। फिर आप पहुंचेंगे, फिर आपको लगेगा हो गया, फिर आप बाथरूम के दरवाजे तक आएंगे, फिर आपको लगेगा होना बाकी है। ऐसी प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी, डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करिए, वरना बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और कहानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि इसमें क्या डैमेज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, हम इसे कहते हैं बड़ी आंत। कॉलरा खतरनाक बीमारी है, उल्टी दस्त दोनों होगा। सिफिलिस एक STD का रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज है, इसलिए पत्नी को है तो सावधान रहिए, पत्नी अगर पति को है तो पत्नी सावधान रहे, नहीं तो दोनों को इलाज कराना पड़ेगा, तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पहले ही मालूम हो जाए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसलिए याद रखिए हम इसको STD का रोग कहते हैं। और इसमें क्या डैमेज होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी इसमें जननांग प्रभावित होते हैं। अब आप कहोगे सर जननांग क्या है, तो ये मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मुझसे बेहतर कहीं आप जानते हैं जननांग क्या है। कई बार हो सकता है कि मेरे माध्यम से ना सही, मित्रों के माध्यम से, आजकल आप जानते हैं इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट के माध्यम से आप जननांगों के बारे में विस्तार से समझ सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहां पर आपको ऐसी कोई भी बात नहीं बताऊंगा जिसकी वजह से आप कंफर्टेबल हों और हम कंफर्टेबल ना हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बीमारी पर चर्चा करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या है, पैलीडियम। क्या नाम है? इसका नाम पैलीडियम है। मैं इसलिए फिर से कह रहा हूं ये सब किताबों से आप पढ़िए ताकि आपको आसानी से वहां पर शब्दों के माध्यम से पता चल जाए, ध्यान रखिएगा। निमोनिया क्या है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, बच्चों में अक्सर होता है, नाक बहती है, जितनी बार नाक बहेगी उतनी बार पानी बाहर आएगा, इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा लोग क्या होता है, क्या हुआ, मतलब हमेशा बस पहुंचता रहेगा चाहे जो करता रहता हो। तो याद रखिए
निमोनिया में मुख्यतः क्या खराब होता है, तो उसका नाम है लंग्स या फेफड़ा। अब आइए प्लेग पर चर्चा करते हैं। इसका मैसेंजर क्या है, रैट या चूहा। इसके रैट के ऊपर एक छोटा सा जीव होता है, नाम है पिस्सू। इस पिस्सू में पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। पहले ध्यान से सुनिए, रैट है, रैट में एक जीव होता है परजीवी, जैसे हम लोगों में परजीवी एक बैक्टीरिया है E. coli, वैसे ही चूहों में एक बैक्टीरिया होता है, एक जीव होता है, नाम है पिस्सू। इस पिस्सू में एक बैक्टीरिया है पेस्टिस। एक चूहा मरेगा तो दूसरा चूहा भी मरेगा, दूसरा मरेगा तो तीसरा भी मरेगा, और इस तरीके से लगभग हजारों चूहे मर जाते हैं। और हजारों चूहे जब मर जाते हैं तो उनके संपर्क में मनुष्य आता है, और उनके संपर्क में जब मनुष्य आएगा तो उनके संपर्क में परटूसिस नाम का बैक्टीरिया भी आएगा और प्लेग नाम का रोग हो जाएगा। प्लेग में पूरा शरीर प्रभावित होता है, पूरा शरीर, होल बॉडी। आपको पता होगा भारत में 1903, 1921 और 1994 यह एक महामारी के रूप में भारत में आया, और लगभग 10 लाख लोग इससे समाप्त हुए। खतरनाक रोग है तीनों सालों में। एक बार क्या हुआ, यूरोप में आधी आबादी इस बीमारी से समाप्त हो गई थी। मैं डिस्कवरी चैनल पर देख रहा था और मैंने इसको समझने की भी कोशिश की। एक जहाज आया, कहां से, चाइना की तरफ से, और वो जहाज पानी का था, वो चाइना की तरफ से चला, तो मालूम है उसमें क्या है, छोटे छोटे जीव चूहों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में उस जहाज के व्यक्तियों में प्रवेश किए। रास्ते में ही कई की मौत हो गई, और जैसे जैसे वो यूरोप में पहुंचा जहाज, उसमें से दो चार लोग बचे थे, और उनको बचाने के चक्कर में कईयों को उसने चपेट में ले लिया, और यूरोप की आधी आबादी इसी प्लेग से समाप्त हो गई। देखिए, जैसे एक गांव है, हमने कहा इस गांव में काली छाया है, तो लोगों ने कहा हाँ इस पर पूरे गांव को खतरा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे गांव को खतरा हुआ तो इस बीमारी का ही नाम हमने रख दिया काली मौत। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह एक खतरनाक रोग है, चूहों से फैलता है, चूहों के ऊपर पिस्सू होता है, पिस्सू में एक बैक्टीरिया है जो मनुष्य के संपर्क में आएगा तो अपने आसपास लगभग बहुत सारी बातें समाप्त करके चला जाएगा। इसलिए इससे बचिए, चूहों से सावधान रखिए, क्योंकि गणेश जी की सवारी है, लेकिन उनको समझाइए, उनको पकड़िए, मारिए नहीं, ताकि उनको बाहर छोड़ करके आ जाइए। अब आइए अगला बताते हैं, गोनोरिया। हम इसको यूटीआई के नाम से भी जानते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया नहीं है ये, अच्छा वो क्या बोलते हैं, एक तो बैंक है, आजकल एक्सिस बैंक हो गया है ये वाला, तो ये वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, यूटीआई मतलब होता है यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन, यानी मूत्र नलिका में संक्रमण हो जाता है। यानी जब आप पेशाब करने जाएंगे तो अत्यंत पीड़ा होगी, और इतनी पीड़ा होगी कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर लगेगा कुछ हो सकता है, फिर लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही आप असमंजस में पड़े रहेंगे और अंत में आप इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर से मिलिए। और अगर डॉक्टर से नहीं मिल सकते तो उस समय भरपूर पानी पीजिए, इतना पानी पीजिए कि पूरी टंकी खाली हो जाए और आपकी टंकी भर जाए और फिर नल के द्वारा निकल जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए इसमें मूत्र नलिका प्रभावित होती है, ध्यान रखिएगा। यह है काली खांसी। एक राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें हम बहुत मानते हैं, पता नहीं हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लोग मानते हैं, लेकिन नाम नहीं लूंगा, क्या पता केस हो जाए। उन्हें इतनी खांसी आती है, इतनी खांसी आती, अब तो ठीक हो गए हैं। उस खांसी को जब हम पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं काली खांसी, कुत्ता खांसी, आगे आप समझदार हैं, वो वाली खांसी। तो इसीलिए हम यही कहेंगे आपसे कि वो खांसी इतनी खतरनाक होती है कि उसमें सूखी खांसी होती है। आप गांव के हैं तो मालूम होगा, एक ऐसा कुत्ता होता है जो हमेशा खांसता है ना, ऐसे खांसता रहेगा, थोड़ी देर में क्या होगा, बलगम बाहर पूरा निकाल देगा। तो मालूम है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, काली खांसी, खतरनाक खांसी। इसमें मुख्यतः क्या डैमेज हुआ, तो याद रखिएगा, क्या नाम है, लंग्स या फेफड़ा। तो काली खांसी, कुत्ता खांसी, और आगे आप जानते हैं और नहीं बताऊंगा। अब आइए ट्यूबरक्यूलोसिस, तपेदिक। 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है,
शायद, जहां तक मुझे मालूम है, ये डेट 24 तो याद है, मार्च भी मुझे शायद याद है, टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तान में 2025 में टीबी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में टीबी को समाप्त करने के लिए योजना बनाई है, संघर्ष बनाया है कि हम संघर्ष करेंगे टीबी के विरुद्ध और हमारे देश से टीबी समाप्त हो जाएगी। लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इस टीबी को विश्व से 2030 में समाप्त करने की बात कही गई है। अब देखते हैं भारत सफल होता है कि विश्व सफल होता है। तो देखिए, विश्व सफल हो ना हो, भारत जरूर सफल होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो देखिए, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ध्यान रखिएगा। और टीबी में मुख्यतः फेफड़े प्रभावित होते हैं। मैं बताता हूं टीबी होता कैसे। मान लीजिए एक बगल में व्यक्ति है, उसको टीबी है, उसके बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरियम। अब उसने छींक दिया, अब आप बगल में खड़े हैं, उस एयर के माध्यम से वो बैक्टीरिया ऐसे ऐसे आया और आपके नाक और मुंह के माध्यम से घुस गया और फेफड़ों में गया, तो उस समय तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे ही वो बैक्टीरिया अंदर हुआ, उसने फेफड़ों को प्रभावित कर दिया, खांसी, बलगम, दुनिया भर की चीजें आपकी स्टार्ट हो गई। अब वो बैक्टीरिया आपके ब्लड में चला गया, ब्लड से आपके ब्रेन में चला गया, ब्रेन से आपके हड्डियों में चला गया, हड्डियों और ब्लड के माध्यम से किडनी में, शरीर के विभिन्न भागों में बैक्टीरिया पहुंच गया और अंत में आपको ब्रेन टीबी हो सकती है, किडनी टीबी हो सकती है, बोन टीबी हो सकती है। टीबी तो बड़ी खतरनाक रोग है, इसीलिए इससे बचे रहिए। और अगर थोड़ा सा भी आपको लगे, एक हफ्ते से ज्यादा, यानी एक हफ्ते या एक महीने से ज्यादा आपको खांसी आती है, तो तुरंत आप बलगम टेस्ट करवाइए जाकर के, ताकि आपको अगर टीबी आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो आप अपने जीवन को बचा सकें। और इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चले जाइए, जो PHC होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गांव-गांव में है, आप जानते हैं भारत सरकार ने इसके योजनाएं बनाई हैं। वहां पर एक विभाग होता है डॉट्स डिपार्टमेंट्स, DOTS, डॉट्स डिपार्टमेंट, उस डॉट का कोर्स कराइए, ताकि आपको पता चल सके डॉट के कोर्स के माध्यम से आप अपने टीबी का इलाज कर सकते हैं। अगर आपने दवा प्रारंभ की तो अगले 3 साल तक इस दवा को खाना होगा, और अगर आपने बीच में ब्रेक कर दिया तो फिर 3 साल उसी दिनांक से आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसमें भी मुख्यतः फेफड़ा ही प्रभावित तो होता है। अब आइए समझते हैं टिटनेस क्या है। टिटनेस में क्या है? जंग लगा हुआ लोहा, यानी जंग लगा हुआ लोहा अगर आपको लग जाए तो याद रखिएगा इसमें इंफेक्शन पैदा हो जाता है। इसीलिए बचपन में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, और जब ATS का इंजेक्शन, एंटी टिटनेस सीरम, ऐसा मत पढ़िएगा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, नहीं, एंटी टिटनेस सीरम लगाया जाता है, और इस सीरम के माध्यम से बच्चों को भी और अपने आप को बचाया जा सकता है। सामान्य तौर पर इसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया अंदर जाता है तो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन कर देता है, और नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा शरीर धनुष के आकार का मुड़ जाएगा और हमारा ब्रेन डैमेज होगा और मरने के चांस होंगे, और लकवा यानी पैरालिसिस भी मारने के चांस होंगे। इसीलिए आज भी ये 5 रुपए का इंजेक्शन मिलता है, 10 रुपए का डिस्पोजल खरीदिए और 15 रुपया डॉक्टर को दीजिए, कुल 30 रुपए में लगवा लीजिए, ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे और आप ऐंठे नहीं, वरना ऐंठ जाएंगे, मुंह भी जबड़ा भी ऐंठ जाएगा और जीवन ऐंठन में गुजारनी पड़ेगी। तो इसीलिए ध्यान रखिए और याद रखिए, टिटनेस ना होने पाए इसलिए ATS का इंजेक्शन लगवाइए। अब बढ़ते हैं टाइफाइड की ओर। इसके बैक्टीरिया का नाम है शॉल मोनेला टाइफी। ये सब आ चुका है एग्जाम में, आप पूछिएगा तो ये सब बैक्टीरिया आपकी किताबों में दिए हुए। हम इसे मियादी बुखार कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये खतरनाक रोगों में से एक आता है, ये ध्यान रखिए। 15-20 दिन रहेगा, और जैसे मलेरिया में बुखार आता ना ठंड के साथ, वैसे ही आपको भी ये बुखार आएगा। और टाइफाइड में आते प्रभावित हो जाती, इसलिए मियादी बुखार कहते हैं। इसमें मुख्यतः छोटी आंत प्रभावित होती है, और इसके लिए एक टेस्ट कराया जाता है, उस टेस्ट का नाम है विडॉल टेस्ट।
तो विडॉल टेस्ट ध्यान रखिएगा टाइफाइड के लिए कराया जाता है। टाइफाइड में मुख्यतः क्या प्रभावित होता है, छोटी आंत प्रभावित होती है। और हाँ, टीबी की बीमारी के लिए बचपन में ही एक टीकाकरण कर दिया जाता है, उस टीका का नाम है BCG, बैसिलस क्लाइमेटी ग्यूरिन। फुल फॉर्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है, BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है आपके सामने है। इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, अगली वीडियो में मैं दो बीमारियां और जीवाणु से लेकर के आऊंगा और वह आपके लिए उपयोगी है और भविष्य में अभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी और RPF के परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। जीवाणुओं से संबंधित अगली वीडियो आप करेंगे और उसमें दो बीमारियां बताएंगे। इसीलिए जुड़े रहिए और लगे रहिए, गवर्नमेंट जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए और अपने भविष्य को सुरक्षित रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।